हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस ICDS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले 1999 का क्वेश्चन पेपर। सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे ICDS के जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं आप उसे देखते रहें। हमारा MCQs का सेशन जो है स्पेशली ICDS के लिए ही आ रहा है, ताकि आप लोग जो MCQs टाइप क्वेश्चन जो आएगा उसे आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ। सो उसे भी देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पार्ट जो है ICDS 1999 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है फॉर ऑल थिंग्स। आपको वहां पर PDFs भी मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन करें। हाँ, तो एवरीवन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ ICDS मेंस सुपरवाइजर्स 1999's मेंस क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था आपका 100 मार्क्स का, इसमें 3 घंटे आपको दिए गए थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से जो आपको दिया गया था। सो उस वक्त के जो रूल्स थे उसमें था न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने के लिए, जिसमें आया था आपको 8 एग्जीबिशन विद इन 200 वर्ड्स, यानी आपको 8 एग्जीबिशन कोई एक हुआ उसके ऊपर में एक रिपोर्ट लिखना है इन 200 वर्ड्स। और ये चूँकि देखिए उस वक्त में बंगाली, इंग्लिश और नेपाली 3 ही लैंग्वेज थे, यानी उर्दू के बारे में नहीं था, इसलिए ये उर्दू में आपको कभी नहीं मिलेगा, तो ये आप याद रखें। तो इस 8 एग्जीबिशन पे एक रिपोर्ट लिखने के लिए दिया था। तो इसी तरह आपको अभी भी कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, ओके, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सो उस वक्त में एक पैसेज दिया हुआ था, ये बंगाली में है, उसका ट्रांसलेशन करना था। ये भी आपको देख सकते हैं आप कि ये थोड़ा कंसाइज है, तो आपको उस टाइप का ही आएगा। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ये है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड स्टेटिंग योर व्यूज ऑन दी गर्ल चाइल्ड इज नॉट ए कर्स। तो ये देखिए, यहाँ से अब आपको समझ में आएगा कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं अब वो आपके वुमेन्स एम्पावरमेंट और आपके जॉब रिलेटेड टॉपिक पे देखिए आपको एक लेटर लिखने को दिया हुआ है। यानी आपको अभी भी कुछ आएगा तो इसी टाइप आएगा, बट इस साल के टॉपिक में यहाँ पर आपको लेटर नहीं दिया गया है, तो आपको लेटर नहीं आने वाला है, लेकिन ये टॉपिक्स ज़रूर आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आप देख सकते हैं राइट ए पैराग्राफ इन 200 वर्ड्स। तो आपको इस बार जो है आपके जनरल स्टडीज़ पेपर में GS में आपको पैराग्राफ लिखने को ज़रूर देगा, ज़रूर। तो वो कहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ क्या क्या आया है। एज सुन एज यू फील कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ यू नो द आर्ट ऑफ लिविंग। सो ये एक फ्रेज है, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके इसके ऊपर में एक पैराग्राफ लिखने को दिया गया है, तो इसके ऊपर में आपको लिखना। तो इसी तरीके से आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस टाइप के जितने फ्रेज हैं और मोटिवेशन वाले जो फ्रेज हैं वो भी आपको देख के जाना है। रोल ऑफ म्यूज़िक इन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये लाइफ के ऊपर में ही सारे पैराग्राफ लिखने को दिए गए हैं। रोल ऑफ म्यूज़िक इन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी म्यूज़िक का क्या रोल है इन केस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। लास्ट पार्ट इज स्टीप प्राइस राइज इन इंडिया। तो ये राइस नहीं होगा, स्टीप प्राइस राइज होगा, ओके, ये आप याद रखें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन डाउरी सिस्टम। सो मेनली यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है डाउरी सिस्टम पे 200 वर्ड्स में एक रिपोर्ट लिखने को, यानी आपको 2 रिपोर्ट दिए गए हैं। तो एक डाउरी सिस्टम पे आपको रिपोर्ट लिखने को दिया गया है, तो आपको अभी भी कास्ट सिस्टम और इस टाइप के रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको लिखने को दिया जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज हमें सिर्फ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है। इनके आंसर्स के लिए आप अलग से हमें अप्रोच कर सकते हैं, उनका हम वीडियो बना देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है ऑफ
अर्थमेटिक। तो यहाँ देख लीजिए, आपको या तो बंगाली या तो नेपाली या तो इंग्लिश, इन तीन लैंग्वेज में ही आपको करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फोर शिप्स एंड फाइव गॉट इज़ 155 रुपीज़ एंड दैट ऑफ थ्री सीप एंड सेवन गॉट इज़ 165 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन सीप एंड वन गॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं आपके लिए, ये आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो ये अर्थमेटिक का पोर्शन है, इस टाइप के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल्स, उसे आप देख के जाए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 सेकेंड्स टू पास ए प्लेटफॉर्म एंड नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकेंड टू पास ए मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज़ गोइंग। तो ये आप देख सकते हैं टाइम इन डिस्टेंस का मैथ है। तो आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसे आपको डिस्क्रिप्टिव में करना है। आपको करना क्या है, उर्दू मीडियम हिंदी मीडियम सभी के लिए बताता हूँ कि आपको इंग्लिश में इसका आंसर करना है। ये लोग बंगाली में कर सकते हैं बट आपको इंग्लिश में इसका आंसर करना है। चल आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यह है क्वेश्चन नंबर 4। 56 लीटर ऑफ लिक्विड सोप एट जो है सोप जो है 25 रुपये में मिलता है पर लीटर इज डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड सोल्ड एट 28 पर लीटर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सो वो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये मेनली टोटली है आपका परसेंटेज, और जो मेनली आता है मिक्सचर से रिलेटेड। सो ये परसेंटेज और मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो परसेंटेज से रिलेटेड था, ये मिक्सचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सो ये 8 पे जनरल स्टडीज़ का पार्ट है जो आपको वन क्वेश्चन वन मार्क ईच का है। यहाँ 12 क्वेश्चन आपको दिखते हैं जिसमें से पहला पूछा है जाइंट पांडा इज फाउंड इन विच कंट्री, व्हाट इज पल्स पोलियो, सिंटो रिलीजन इज प्रैक्टिस इन विच कंट्री, टर्की इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री एंड ऑल्सो ए बर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कैमल एंड मंगोलियन कैमल, ए नेशनल फ्लैग अपसाइड डाउन मीन्स। ये देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया आपको कि एक नेशनल फ्लैग जो अपसाइड डाउन हो उसका मतलब क्या होता है। आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज बिल्ट बाई, यानी मेहरौली पिलर कौन से राजा ने बिल्ट किया था। व्हाट इज़ टाइटेनिक, व्हाट वॉज द फर्स्ट बंगाली लेडी पायलट, हु वॉज द फर्स्ट बंगाली लेडी पायलट, डू प्लांट्स फील्स, नेम द फास्टेस्ट मैमल एंड स्लोएस्ट एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टोरियन इन डिटरमाइनिंग। ये क्वेश्चन आधा कटा हुआ है, या आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जनरल स्टडीज से। सो यहाँ आपके जनरल स्टडीज में क्या क्या आने वाले हैं वो आपके सिलेबस से आपको पता ही होगा। इंडियन INM से आएगा क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आएगा क्वेश्चन, EVS से आएगा क्वेश्चन, और आपको मिलेगा एक वुमेंस एम्पावरमेंट स्पेशल टॉपिक है। चल आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बैटल ऑफ ब्लैंक लेट डाउन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, कौन से बैटल ने ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में जगह दी। व्हाई आर द डॉग्स यूज्ड बाय द पुलिस ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स, जो डॉग्स हैं वो, ये देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, डेल्टा इज फॉर्म्ड एट रिवर माउथ व्हेन सी टाइड्स आर स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए ज्योग्राफी से जो हमारे कॉस्मोलॉजी के पार्ट होते हैं और उसके बाद जो हमारा मेनली क्लाइमेटोलॉजी का भी पार्ट होगा वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, वो आपको दिया हुआ है। हु सैंग द फेमस सॉन्ग मेरे वतन के लोगों, व्हाट इज़ फॉसिल, सो फॉसिल क्या होता है उसे डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देंगे क्योंकि आपको 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसे कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स से देखिए क्वेश्चन है, फॉलिंग बॉडी वेज सेम एज इट्स वेट इज मोर बिकॉज ऑफ द अर्थ इज पुलिंग इट और नथिंग बिकॉज इट इज हेल्ड इन स्पेस। तो ये फॉलिंग बॉडी क्या वेट करता है, तो आपको पता होगा फॉलिंग बॉडी के केस में क्या होता है। तो फिजिक्स के केस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो वेटलेसनेस का पार्ट है उसे अच्छे से आप देख लेंगे। चलाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ड्राई आइस,
सो ये ड्राई आइस क्या होता है वो आपको बताना है. व्हाई डू डायमंड साइन एंड हु रोट चर अध्याय. तो आपको ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो देखिए ड्राई आइस भी लिखना है, यानी ड्राई आइस में क्या होता है टोटली लिखना होगा. व्हाई डू डायमंड साइन, डायमंड क्यों साइन करता है, इसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की वजह से, ये चीज़ आपको लिखना होगा. तो ये टोटली आपको लैंग्वेज में लिखना होगा. चला आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी देख लीजिए कि राइट इन बंगाली, इंग्लिश और नेपाली, तीन टाइप दिया हुआ है. हु ऑब्जर्व द फॉलोइंग फेस्टिवल, ठीक है, इनमें से जो फेस्टिवल है कौन कौन इसे मनाते हैं, पोंगल कौन मनाता है, ईस्टर डे कौन मनाता है, ईद उल फित्र कौन मनाता है, दशहरा कौन मनाता है. तो इसी तरह आपको पता होगा पोंगल जो है, जो साउथ इंडियन लोग हैं उनका जो है न्यू ईयर है. ईस्टर डे जो है मेनली श्रीलंका में मनाया जाता है, ठीक है, जो है कैथेड्रल्स में. ईद उल फित्र जो है हम मुसलमान लोग मनाते हैं, और दशहरा जो है जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो मनाते हैं. इसी तरह देखिए, इन विच फील्ड ऑफ अचीवमेंट फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन. देखिए बॉर्लो अवार्ड, नॉर्मन बॉर्लो अवार्ड इज गिवन एज वर्ल्ड फूड प्राइज, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है, जो है आपका फिल्म में, ठीक है, फिल्म में जो आप बेस्ट काम करते हैं उसके लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है. एसएस भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है. तो इसी तरह का क्वेश्चन जीके का भी आपके लिए आएगा. नेम द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, सो किस जगह से ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं ये आपको बताएं, लाइक द ट्रिब्यून, द पायोनियर, द हिंदुस्तान स्टैंडर्ड. तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने. व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रिविएशन स्टैंड फॉर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नासा, LBW, LPG, एड्स, इनमें से सबका क्वेश्चन आपको इस टाइप का एब्रिविएशन करके ही जाना है. बिकॉज सब क्वेश्चन में, जितना भी क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया है आज तक, सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आए हैं कि एब्रिविएशन आपको करना है. देखिए नेम द फोर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, तो अभी क्लासिकल डांसेस कितने हैं वो आपको देखना होगा. जो रीसेंट है वो कौन सा है क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांसेस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से कोई डांस सेलेक्ट होता है क्लासिकल डांसेस में, ये आपको याद रखना होगा. चलाते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन हिप्नोटिज्म एंड मैग्नेटिज्म, व्हाट इज हिप्नोटिज्म एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म. ये पार्ट जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, वो आप देखेंगे फिजिक्स में. रेड ट्रायंगल एंड रेड क्रॉस, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया हुआ है. एंड होटल एंड मोटल, डिफरेंस क्या है उसमें. तो ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार, जो मिस हो गया था. ये ट्रांसलेट इनटू बंगाली है. दे आर्यंस ऑल्सो, द आर्यंस होगा, ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ. सो एक एंशियंट पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर में आपको एक जो है यहाँ पर आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने को दिया जाएगा. तो आपको उर्दू में करना है या फिर हिंदी वालों को हिंदी में करना है. तो ये आप याद रखेंगे और इसी तरीके से आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड वी विल मीट यू सून इन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर. So, thanks for watching.